हेलो एंड नमस्कार, केस लॉ की कहानी के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस के इस प्लेटफॉर्म पर आज से ये पहला एपिसोड है और अनलिमिटेड एपिसोड चलेंगे। किसके बारे में? केस लॉ की कहानी। पहले तो समझ लीजिए कि केस लॉ की कहानी का फंडा क्या है। देखो, हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सुप्रीम कोर्ट हर बार कुछ न कुछ कानून के ऐसे पहलू हमारे सामने रखता है जो वाकई में न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस को डिलीवर करने के लिए बहुत ही जरूरी और असेंशियल है। तो ऐसे ही किस्सों को, ऐसे ही लैंडमार्क जजमेंट को एक कहानी के जरिए हम लोग समझेंगे, ताकि वो जजमेंट कभी भी हमारे माइंड से स्लिप नहीं हो और वो जो कहानी है वो कभी भी हमारे दिल से बाहर ना निकले, हमारे दिल के अंदर वो बनी हुई रहे। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो सिर्फ इसलिए की जाए ताकि हम लोग पढ़ाई के अंदर परफेक्ट हो जाए। कई बार कुछ चीज़ें अपने माइंड की लीगल अवेयरनेस को, कानूनी जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए भी आवश्यक होती है। तो ऐसा ही है इस केस लॉ की कहानी का किस्सा भी। तो समझते हैं, आज आप जो टाइटल देख पा रहे हो, ये टाइटल बड़ा ही एक तरीके से दिल को छूने वाला और भावनात्मक है कि एक प्रेग्नेंट सिस्टर को, एक गर्भवती बहन को विधवा करने वाले भाई की कहानी इस केस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, इस कहानी को फील भी करना, इसके कानूनी पहलू, इसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं उनको भी समझना। तो शुरुआत करते हैं, ये बात है 2011 के। 2011 के अंदर जो है एक लड़की जिसका नाम था ममता, ममता चौधरी, उसके किसी केरल के मलयाली लड़के से जो है कहीं कहीं जो है एक प्रेम का अट्रैक्शन जो है हो गया था, और इसके कारण वो उस लड़के के साथ में जो है एक ऐसी परंपरा जो उनके नॉर्मल तरीके से नहीं, अलग तरीके से मंदिर वगैरह में जाकर जो है शादी वादी जो है वो कर लेते हैं। हालांकि वो शादी, उनको भी पता है कि अपने आप में कोई मान्य तरीका नहीं था, फिर भी 2011 के तहत जो है उनके द्वारा एक काल्पनिक, कह दीजिए, या फिर एक तरीके से फॉर्मल अनौपचारिक टाइप का शादी कर लिया गया। उनके माता पिता को, ममता चौधरी के माता पिता को इस बारे में नहीं पता था, और ना ही पता था एक ऐसे शख्स को जो आके जाकर इस कहानी का एक विलन वाला रोल निभाने वाला है। ठीक है, तो ममता चौधरी अपने उस मलयाली पति, कथित पति के साथ में रहने लगी, और फाइनली 2015 के अंदर जो है, 2015 के अंदर जो है उसने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया। जब उस लड़की ने अपने माता पिता को इस बारे में बताया, तो सीधे तौर पर 2011 से बात कर रहा हूँ मैं, 2015 पर, ठीक है, हमें यहाँ पर किसी का कोई भी चरित्र व्याख्यान नहीं करना है कि कौन क्या था, कैसे था। एक प्रैक्टिकल तरीके से, एक ब्रॉड माइंड तरीके से हमें ये जानना है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो कुछ होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा रोल है। तो 2015 के अंदर जो है उस लड़की ने अपने माता पिता को पूरी कहानी बताई कि इस तरीके से उसे एक केरल के मलयाली लड़के से जो है प्यार वगैरह हो रखा है, और उससे उन्होंने इस तरीके से वो मंदिर मंदिर वाली शादी वादी भी कर रखी। लड़की के माता पिता ने स्पष्ट कह दिया कि हम तो जो है इस सामाजिक इंसल्ट को सहन करेंगे नहीं, और उन्होंने जो है उस लड़की को अपने सारे रिश्तों से क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया, बाहर निकाल दिया। मतलब कि उन माँ बाप ने कहीं ना कहीं उस लड़की से सारे संबंध जो है वो तोड़ दिए। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, माता पिता कभी भी इस तरह से अपने बच्चों को आसानी से खुद से अलग नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार जो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके अंदर समाज का जो है एक ऐसा हिस्सा भी जिम्मेदार होता है जो चुप तो रहता है लेकिन कहता बहुत कुछ है, है ना। तो अब यहाँ पर ये वाला सीन चल रहा था। फिर वो लड़की जो है, वो लड़की अपने उस मलयालमी पति के साथ में अलग से रहती हैं। उसकी जो सासू माँ है, रामा देवी नैयर, रामा देवी नैयर, वो भी उनके साथ में ही रहती हैं। फिर उसके बाद में जो सीन होता है ना, वो सीन मैं सुनाऊंगा क्या आपको, बस एक इमेजिनेशन करा सकता हूँ कि बॉलीवुड की एक मूवी आई थी धड़क करके, जो कि ऑनर किलिंग पर आधारित थी। वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सीन था कि वहाँ की जो अभिनेत्री जो है वो अपने पति के साथ में किसी शहर के एक मकान में रह रही होती है, और वहाँ पर सडनली अचानक जो है कुछ लोग आते हैं और इस तरीके से जो है उसके बच्चे को और उसके पति को मार देते हैं। ऐसी ही घटना जो है इस ममता नायर के केस में भी हुई। देखिए हुआ क्या, इस केस के जो फैक्ट थे वो क्या थे, उनको समझने की ज़रा कोशिश करना।
यहाँ पर राजस्थान की रहने वाली महिला ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक मलयाली शख्स से शादी की। शादी करने के बारे में सोचने से बहुत पहले इस आदमी शादी करने के रोकने का परिवार वालों ने बहुत कोशिश वगैरह भी किया होगा। और जब वो 6 महीने की गर्भवती थी, बात है 2017 की, 2017 में जब वो अपने पति के साथ में रह रही थी और जब वो गर्भवती प्रेग्नेंट थी 6 महीने की, तब उसके माता पिता जो है वो वहाँ पर उससे मिलने आए। माता पिता भी थे, साथ में कुछ और लोग भी थे, और साथ में था एक शख्स जिसका नाम था मुकेश चौधरी। उस शख्स ने क्या किया, ज़रा उसको समझना। उस शख्स ने उस प्रेग्नेंट बहन के सामने उस केरल के मलयाली युवक की हत्या कर दी, उसे मार दिया। अब सोचो, एक महिला जो अपने पति के साथ में रहती है, चाहे वो पति इंटरकास्ट मैरिज का हो या कास्ट मैरिज का हो या कैसे भी हो ना, लेकिन एक पति पत्नी के लिए एक दूसरे का रिश्ता बहुत मायने रखता है। तो उस प्रेग्नेंट महिला के सामने, जिसने अपनी पूरी आस लगा रखी थी कि मेरा जो इस ज़िंदगी के अंदर बच्चा आएगा उसको जो है कहीं कहीं मेरा पति जो है जिम्मेदारी के साथ संभालेगा वगैरह, और अचानक उसकी सारी आस अगर टूट जाए, सारी होप जो है वो एकदम होपलेस हो जाए, तो कैसा हो? मार दिया गया, मतलब सोचते ही रूह कांप उठती है कि मतलब एक पत्नी के सामने जब उसके पति को मार दिया जाए, या फिर जब एक पति की आंखों के सामने उसकी पत्नी के साथ कुछ दरिंदे के रेप कर रहे होते हैं, तो वो कितना दृश्य जो है अपने आप में रूह को कंपाने वाला होता है। तो यहाँ पर इस ममता नहर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इतना ही नहीं, उसके जो परिवार वाले थे उस ममता नहर को भी साथ में ले जाने वाले थे, और कहीं कहीं जो है उनकी सासू माँ को, जो रामा देवी नैयर थी, उनको भी शायद हो सकता है उनके साथ भी कुछ गलत करने की मंशा रख रहे थे। लेकिन जब वो चिल्लाने लगी तो आस पड़ोस के लोग आ गए, और किसी तरीके से ममता नायर को वो लोग नहीं ले जा सके, उसके माता पिता वगैरह जो थे वो नहीं ले जा सकते। लेकिन घर में ज़बरदस्ती घुसना, और इस तरीके से पहले से कई लोगों को साथ में मिलकर एक कॉन्स्पायरेसी षड्यंत्र के तहत आना और उस व्यक्ति की हत्या कर देना, ऐसे कई सारे अपराध जो हैं तब तक खट चुके थे। और इतना ही नहीं, ये जब 2017 का मामला हुआ, उससे पहले भी उसके माता पिता ने, उस लड़की के माता पिता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जो है दबाव बनाया, मारने वारने की धमकियां दी, तो उस लड़की को मजबूरन जाके कंप्लेंट भी करनी पड़ी थी। लेकिन जब उनके समाज के लोगों ने और माता पिता ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि हम भविष्य में इस तरह से कुछ भी नहीं करेंगे, तो उस लड़की ने, उस ममता नायर ने क्या कर दी, वो कंप्लेंट जो है वो वापस ले ली। लेकिन उसे थोड़ा ना पता था कि इस तरीके से कंप्लेन वापस लेने के बाद भी उसका जो मामला है वो शांत हो जाएगा, और फिर 2017 की घटना घटी। लेकिन ये तो दर्द की शुरुआत थी, कहानी जो है वो तो अब शुरू होती है, कानूनी लड़ाई जो है वो अब शुरू होती है। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो है इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, सोशल बैकग्राउंड जो है इस कहानी का, वो आप लोगों ने अभी सुना। और अब जानिए कि इस केस के अंदर जो है, इस केस के अंदर लीगल एस्पेक्ट क्या थे, इस केस के अंदर कानूनी बातें क्या थी। जब ये सारा मामला हुआ तो फिर FIR वगैरह जो है दर्ज की गई उस मुकेश चौधरी के खिलाफ, जिसने उस महिला के पति की हत्या की थी, और साथ ही साथ में वहाँ पर उनके माता पिता और जो अन्य कुछ शख्स साथ में आए थे उनके खिलाफ भी जो मामला दर्ज किया गया। उस मामले में 3 धाराओं का विशेष रूप से जिक्र किया गया। वो 3 धाराएं कौन कौन सी थी, सबसे पहले नंबर 1 जो थी वो थी 302, यानी कि मर्डर, हत्या का धारा लगाया गया। उसके बाद में 452, 452, ये सारी धाराएं किसकी, इंडियन पिनल कोड की बात कर रहा हूँ। जबरदस्ती घर के अंदर इस तरीके से घुसना और उद्देश्य क्या करना, इंजरी पहुंचाना, हर्ट पहुंचाना वगैरह, तो 452, और साथ ही साथ में कई लोग मिलके ऑलरेडी कॉन्स्पायरेसी कर चुके थे, तो 120 भी जो है वो कॉन्स्पायरेसी की धाराएं, उसके तहत मामला दर्ज किया गया और मामले की कार्रवाई जो है चलने लगी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने जो है वो सेशन कोर्ट के सामने ट्रायल जो है वो चल रही थी। अब स्वाभाविक है, नेचुरल है कि जब इतने संगीन मामलों के अंदर FIR दर्ज होगी तो पुलिस ने उस युवक को, उस मुकेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। उस मुकेश चौधरी ने कई बार जो है कोर्ट के सामने जमानत की याचिका लगाई, बेल एप्लीकेशन जो है प्रिफर की, और कई बार जो बेल एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट है जो कर दी गई। लेकिन 2020 के अंदर हाईकोर्ट ने उस शख्स की एक अग्रिम, जो नेक्स्ट वाला जो एप्लीकेशन था बेल का,
पहले तो कई बार रिजेक्ट किया, लेकिन फाइनली 2020 के अंदर जो है उसकी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी गई, यानी कि ट्रायल चल रही है, अभी तक मामला ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तक उस महिला को, उस ममता नायर को, उस अजन्मे बच्चे को, अनबॉर्न बच्चे को इंसाफ नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है। उस रामा देवी नैयर को, जिसके बेटे को मार दिया गया, उसको न्याय नहीं मिला है। मामला अभी पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो पेंडिंग ट्रायल जो है, उस मुकेश चौधरी को बेल मिल गई, और जैसे ही वो मुकेश चौधरी बाहर आता है, फिर से वो सारी हरकतें शुरू हो जाती हैं। उस ममता नायर को फ़ोन करके कहा जाता है कि तुझे तो मैं ख़त्म कर दूंगा, मार दूंगा, है ना। और कहीं कि इस रामा देवी नैयर को भी जो है इस तरह की धमकी वगैरह दी जाती है। ये सारी बातें वो हैं जो कहीं कहीं हमें सुप्रीम कोर्ट के इस जो बेल, आगे हम पढ़ेंगे, जो बेल कैंसिल की गई आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस आदेश में जो तथाकथित रूप से लिखा हुआ है, वो सारे फैक्ट हैं। तो इस तरीके से ये सारी बातें ममता नायर ने फिर सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिमिनल मिसक्लेनियस याचिका जो है लगाई, मिसक्लेनियस पिटीशन जो है फाइल की। और फाइल करने वाली एडवोकेट है वो कौन थी पता है आप लोगों को? वो थी सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह जी। इंदिरा जयसिंह सिंह ने इस ममता नायर के मामले को डील किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले की जो है पैरवी की, और फाइनली जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, वो वाकई में एक वेलकम स्टेप कह दीजिए, या फिर एक तरीके से सही मायनों में न्याय दिलाने वाला कह दीजिए, वो रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में, क्लियर टर्म्स में ये कह दिया कि यहाँ पर हाई कोर्ट से एरर हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट, जिसने उसको बेल का आदेश दिया था, तो कहेंगे कहा गया कि यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट से जो आदेश के अंदर है एरर दी हुई है, यहाँ पर इस मुकेश चौधरी को बेल जो है वो नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई मामला छोटा सा नहीं है। इस मामले का संबंध जो है ऑनर किलिंग से है। ऑनर किलिंग एक ऐसा शब्द जिसमें क्या होता है कि अपनी मूंछ का मान रखने के लिए हम जो है कुछ परिवार जो है अपने बेटे बेटियों को खुद ही मार देते हैं, इसे कहा जाता है ऑनर किलिंग, है ना। तो ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा था, और ऐसे मामलों के अंदर बेल मिलती है तो आप मान के चलिए कि ये चीज़ें आगे और भी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, फिर फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले को लेकर जो बातें बताई गई, उन सब चीज़ों के तहत जो एक्यूज़ था मुकेश चौधरी, उसको कहा गया कि आप जो है सेशन कोर्ट के सामने क्या कर दो, सरेंडर कर दो, आपकी जो बेल एप्लीकेशन है वो इस तरीके से डिसमिस की जाती है। अब कहीं कहीं ममता नायर को थोड़ा इस बात के लिए तो आश्वासन रहा होगा कि चलो फाइनली सुप्रीम कोर्ट से जाके उसको न्याय तो मिला, लेकिन क्या अभी तक न्याय पूरा हुआ है? क्या वाकई में इस मामले के अंदर एक्यूज़ मुकेश चौधरी को कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए आगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कहीं कहीं जो है उस लड़की के द्वारा भी गलती हुई हो? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर गलती हुई भी है उस ममता नायर से, तो क्या गलती वो वाकई में इतनी गंभीर है कि उससे विधवा कर दिया जाए, वो भी तब जब वो एक प्रेग्नेंट महिला थी, जब वो प्रेग्नेंट थी उस समय उसके पति को मार दिया जाए, वो भी उसकी आंखों के सामने, क्या वाकई में उसकी गलती इतनी बड़ी थी? फ्रीडम की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हर एक को अपने लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, तो क्या वहाँ पर इतना बड़ा ये अपने आप में अपराध हो जाता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज करो तो उसकी सजा भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा? तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो अभी तक इसके अंदर छुपी हुई है। तो इंतज़ार करेंगे फाइनली इस केस के अंदर सेशन कोर्ट का क्या जजमेंट रहेगा, आगे जाकर किस तरीके से इसमें निर्णय आएंगे। अब उस महिला का बच्चा 3 साल का हो चुका है, उस महिला का बच्चा जो है वो 3 से 4 साल का हो चुका है, और न्याय की उम्मीद अभी भी उसकी आँखों में दिख रही है। फाइनली क्या यहाँ पर सजा होगी या नहीं होगी, ये देखना हम सभी के लिए दिलचस्प जो रहेगा। तो ये थी आज के इस ममता नायर के तहत केस लॉ की कहानी, जहां हम लोगों ने देखा कि ऑनर किलिंग के नाम पर जो है कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अनह्यूमन कह दीजिए, अमानवीय जो है लगती हैं। सो लिंकिंग लॉ का, केस लॉ कहानी का ये एस्पेक्ट आपको कैसा लगा, और आपको क्या लगता है ममता नायर की कहानी में आगे क्या होना चाहिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ में ये भी बताना क्या इस तरह की और कहानियाँ आप सुनना चाहते हो, ताकि आप लैंडमार्क जजमेंट को जो है अच्छे तरीके से साथ साथ समझें और उन्हें ऑब्जर्व भी जो है वो कर सकें।
तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा मैं। तब तक के लिए बस इतना ही कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहना ताकि हर तरह की चीज़ जो है आप तक पहुंच सके, हर कानूनी अवेयरनेस को, लीगल अवेयरनेस को आप तक पहुंचाने का एक सूक्ष्म प्रयास जो है मैं तनसुख पालीवाल कर सकूँ। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।